तो हेलो दोस्तों, आज के फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बता रहा हूं, जो मिक्सर देख रहे हैं, मिक्सर जो मेरे पास है, इसमें गेन वॉल्यूम का क्या काम होता है। बहुत सारे देखे होंगे लाइव प्रोग्राम में, किसी का आवाज़ दबता है, आवाज़ फटता है, तो बहुत सारे भाई का कन्फ्यूज हो जाता है कि मेरा एम्पलीफायर ख़राब हो गया या स्पीकर ख़राब हो गया या मिक्सर ख़राब हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को सेटिंग यहीं से गेन वॉल्यूम से जो होता है वहाँ से आपको किस तरह पे कितना खोलना है, किस टाइम में आपको कितना गेन वॉल्यूम खोलना है, जिससे आपका आवाज़ दबेगा नहीं, चपेगा नहीं, ना आपकी एम्पलीफायर की आवाज़ दबेगी, ना आपकी स्पीकर की आवाज़ दबेगी, ना फड़फड़ाहट की आवाज़ आएगी, ना आपकी चपेगी आवाज़, जो कभी काल आप लोग देखते होंगे जो लाइव प्रोग्राम चलता है। तो बहुत सारे सिस्टम लगा हुआ रहता है, ढोलक लगा हुआ रहता है, माइकिंग लगा हुआ रहता है, तबला लगा हुआ रहता है, पेड लगा हुआ रहता है। तो क्या होता है, वो सारा जब चलता है तो क्या होता है, आवाज़ आपको क्या होता है, दबने लगता है, कभी कभार क्या होता है फर फर भी आवाज़ मारने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज मैं सारा आप लोगों को सिस्टम बताऊंगा कि यहीं से आप लोग को दिक्कत करते हैं, तब आप लोग को क्या करते हैं, आवाज़ भी दब जाता है। तो हमारे डीजे ऑपरेटर भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा स्पीकर ख़राब हो गया या एम्पलीफायर ख़राब हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा सिस्टम यहीं से होता है, जिसके कारण आप लोगों को आवाज़ चप जाती है, फटफट की आवाज़ आती है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह को जानकारी मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्या करना है आप लोग को, कभी भी अगर माइकिंग का अगर आप लोग कहीं पर भी काम करते हैं तो क्या करना है आपको, जो ये देख सकते हैं गेन वॉल्यूम हो गया, ये गेन वॉल्यूम सभी मिक्सर में मिल जाएगा। तो ये फ़िलहाल मेरे पास एक्सचेंजर का मिक्सर है, अगर आप लोग के पास भी कोई सा भी कंपनी का मिक्सर है तो क्या करना है, सबसे पहले अगर आप लोग मैक चलाते हैं तो आपको क्या करना है, मैक में गेन बिल्कुल बंद रखना है, बिल्कुल पहले नंबर में क्या करना है, इसको बंद रखना है। और ये जो देख रहे हैं इसको क्या करना है, 80 से 90% इसको खोलना है। 80 से 90% खोलने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से आ जाना है, यहाँ से आपको 80 या 70% खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको गेन बिल्कुल बंद रखनी है। अब यहाँ पे मैक लगा करके आप बोल सकते हैं, बोलिए अगर आपको आवाज़ नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, आपको एम्पलीफायर पे आना है। एम्पलीफायर पे देख सकते हैं मास्टर वॉल्यूम को आपको क्या करना है, 6 पॉइंट तक खोलना है। अगर 6 पॉइंट पर भी आप मैक से बोलिए, अगर आवाज़ आपको मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप इसको 1-2 पॉइंट और खोल देना है, आपको गेन वॉल्यूम अभी नहीं खोलना है, जितना चाहिए उतना गेन वॉल्यूम को कम रखिए। अगर इस पे भी अगर आवाज़ आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, फुल कर देना है, पूरे इसको फुल कर देना है। अब यहाँ से आपको आवाज़ नहीं बढ़ाना, आप यहाँ से क्या करना है, 2 पॉइंट आपको आवाज़ देना है, इसमें आपको आवाज़ पर्याप्त मिल जाएगी, क्योंकि इतना पे आपको खोलने के बाद क्या होगा, आवाज़ आपको मिलने लगेगी, क्योंकि मैं एम्पलीफायर में भी आवाज़ 80% कर दिया हूँ। एम्पलीफायर से अगर आप लोग आवाज़ देते हैं तो आप लोगों को सीटी भी नहीं मारेगा, फड़फड़ाहट भी नहीं मारेगा, क्योंकि मिक्सर से आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं देना है। बहुत सारे भाई को देखते हैं कि गेन वॉल्यूम को आप 50% खोल देते हैं, तो 50% कब खोलना चाहिए आपको, अगर 1-2 अगर मैक में अगर 50% मांग रहा है तो आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारा मैक में हम 50% दे दें। 50% देने के बाद क्या होगा, आपको आवाज़ एकदम चांप देगा, आपको चांपने के बाद क्या होगा, आवाज़ आपको अच्छा नहीं सुनाई देगा, एकदम धुंधला की तरह, मतलब बिल्कुल बेकार आवाज़ सुनाई देगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 1-2 में आप 50% खोल सकते हैं, अन्यथा गेन वॉल्यूम को 2-3 पॉइंट ही रखिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। और लाइव प्रोग्राम चलाइए आप या सॉन्ग बजाइए, कोई तरह का कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, गेन वॉल्यूम इतना ही खोलना है। अगर और कोई तरह का अगर प्रॉब्लम आप लोगों के सामने में आता है मिक्सर से संबंधित, अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, लाइव प्रोग्राम में इतना ही खोलना है, बहुत से बहुत ज़्यादा आपको 50% तक ले जाना है गेन वॉल्यूम को, वो भी आप 1-2 मैक में ले सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, हमेशा आप चाहिएगा 4-5 मैक में हम 50% देंगे, तो इससे क्या होगा, आपको आवाज़ बैठने लगेगी, आपको आवाज़ जो चाहिए उतना नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप लोग जितना हो सके उतना गेन वॉल्यूम कम रखिए, और सॉन्ग बजाते हैं तो सॉन्ग में बिल्कुल गेन वॉल्यूम को बंद करके ही चलाइए, बहुत बेटर रहेगा। तो यहाँ तक वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।
सब लोग सिर्फ यहाँ का ध्यान दीजिए। हेलो हेलो, एक नंबर में बा तू सब जे कहे छो 12 बजे रात के लोग मुठिया जी मुठिया जी मुठिया जी, तू सब दबो के लोग